भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो 85 यानी 85 महाधिवेशन में आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। देश में सबसे पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी पीसीसी डेलीगेट्स हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने मुझे चुना, मुझे विश्वास दिया और देश की कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मुझे दिया गया। कांग्रेसजनों का विश्वास ही मेरे जीवन भर की कमाई है। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने आखिरी सांस तक कांग्रेस के मूल्यों की रक्षा करूंगा और हम सब हर बलिदान देकर देश के सामने खड़ी हर भीषण चुनौती का भी सामना करेंगे। आप में से काफी साथी मेरे जीवन की राह से परिचित है। ये केवल कांग्रेस में ही संभव है कि एक साधारण व्यक्ति जो कभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया। ये कांग्रेस के लिए और लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबूत श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मेरे पीसीसी डेलीगेट्स और हमारे वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों ने मुझे आशीर्वाद किया। तो इसीलिए ये आज मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से EICC अध्यक्ष बनने में मुझे एक मौका मिला। साथियों, मैं आज बेहद भावुक भी हूँ, क्योंकि मैं और आप सब उस गौरवशाली विरासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसको महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, इंदिरा जी, राजीव जी ने अपने त्याग, बलिदान और समर्पण से ये सींचा हुआ कांग्रेस पार्टी है। इसका मुझे विश्वास है कि उनका दिखाया हुआ मार्ग लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आज श्री राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये प्रेम केवल कांग्रेसजनों की ओर से नहीं बल्कि भविष्य के करोड़ों उम्मीद लिए हर भारतवासियों से भी ये उम्मीद है। देश भर में चारों ओर फैले नफरत के माहौल के बीच तथा देशवासी की टूटती हुई उम्मीदों के बीच जब ऐसा लग रहा था कि अंधेरी की ताकतें कहीं सच पर हावी न हो तो श्री राहुल गांधी जी ने रोशनी की उम्मीद की और संघर्ष की एक नया मशाल उन्होंने जला दिया। भारत जोड़ो यात्रा देश की उम्मीदों के उगते सूरज की नई सुबह का नाम है जिसकी रोशनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैल गई और अब पूरे देश के हर कोने कोने में राहुल जी अपने असंभव को संभव कर दिखाया। आपने खुद कष्ट सहकर न आंधी की परवाह की, न बारिश की, न गर्मी की, न सर्दी की, न धूल की के बाउंडर भी और न बर्फीले
तूफान की। भारत का तिरंगा तामे करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ चले भी और जुड़े भी। और हमने एक बार फिर ये साबित करके दिखाया कि भारत की आत्मा में कांग्रेस है। भारत की पीड़ा कांग्रेस जानती है और देशवासियों की तकलीफें देश जानती है। हमारा दिल तड़पता है और खासकर जो राहुल गांधी जी 3,700 से ज़्यादा किलोमीटर चलकर राहुल जी अपने और कांग्रेस जनों के लिए दिखा दिया बलिदान की परिपाटी का जज्बा और देश की मिट्टी की खुशबू हमारे लहू के हर कतरे में आपको मिलेगा। ये राहुल जी का काम है, इसीलिए मैं इस पर उनको धन्यवाद देता हूँ। वो इसी ढंग से हमको मार्गदर्शन करते रहे, जुड़ते रहे और सभी को, युवाओं को जो प्रोत्साहन मिला है वो आगे भी वो दिखाई देगा। दूसरी बात, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज के करीब 100 साल पहले 1924 में मेरे गृह राज्य कर्नाटक में बेलगांव महाधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने आज़ादी के लिए गांव देहात से लेकर किसानों और मजदूरों को कांग्रेस के झंडे तले खड़ा किया, नई दिशा दी। बेलगाम में कांग्रेस का स्वरूप बदला और कांग्रेस संविधान में भी बड़ा बदलाव हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस को भारत के किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचितों से जोड़ा। कांग्रेस की वर्किंग डिसेंट्रलाइजेशन हुई और कई काम हुए। यहीं से कांग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में जनता के सामने आई और पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ। बेलगाम में ही पहली बार कांग्रेस ने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष को अपने एजेंडा में आधिकारिक रूप से शामिल किया। ये विचार आगे चलकर भी वंचित वर्गों के लिए समान अधिकारों के संवैधानिक गारंटी का आधार बना। इसीलिए मैं याद कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी का, क्योंकि एक ही बार वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, वो भी कर्नाटक से बने और वहाँ छुआछूत की एक रेजोल्यूशन पास करके सारे देश में उसका प्रचार करने का उन्होंने काम किया, इसीलिए उनको मैं इस वक्त याद करता हूँ। और 75 वर्ष में आज देश सबसे कठिन चुनौतियों से गुजर रहा है। सत्ता में बैठे लोगों ने देश की जनता के अधिकारों और भारत के मूल्यों पर हमला बोल रखा है। इसीलिए आज एक नए आंदोलन के शुरुआत की जरूरत है। हर कांग्रेस को, हर देशवासी को आगे बढ़कर, उठकर, संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान, ये हमारा नारा होगा। और देश को आज सेवा, संघर्ष और बलिदान की ज़रूरत है, क्योंकि भारत अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। आज भाजपा अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं का अधिकार को तोड़ रही है।
भयंकर रोजगारी युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई से जनता के घर के बजट बिगड़ गया है। नोटबंदी और गलत जीएसटी से छोटे कारोबार एमएसएमई को बर्बाद कर दिया है। फसल की कीमत न देकर किसानों की आमदनी को खत्म कर दिया है। नफरत के माहौल में देश के सामाजिक माहौल बिगाड़ दिया है। और यही नहीं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारे एजेंसीज को चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, इस प्लेनरी सेशन को रोकने के लिए यहाँ पर बीजेपी सरकार ने छापा मारा, रेड किया, हमारे लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला करके इसको यशस्वी बनाया। ये है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत। ऐसा हम लड़ने का भी सीखना चाहिए, मुकाबला करने का भी सीखना चाहिए। अगर रोते बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप लड़ते देश जोड़ने का आंदोलन चलाना है, यही कांग्रेस का कर्तव्य है। एक तरफ तोड़ने की संस्कृति, तो दूसरी तरफ आज की सरकार और उसके हुक्मरानों ने द्वारा बनाई जा रही अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई। ऐसा लगता है कि जैसे देश की सरकार की नज़र में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों व नौकर पेशा और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई जगह इस बीजेपी सरकार में नहीं है। पहले तो नोटबंदी की ऐतिहासिक बेखूबी ने छोटे और लघु उद्योग पर तालाबंदी कर डाली और 2 करोड़ से अधिक लोगों का रोजगार चला गया। गलत तरीके से बनाई और उससे भी गलत तरीके से लागू की जीएसटी ने छोटे मोटे उद्योगों को और व्यापारियों का कामकाज चौपट कर दिया। कोरोना के दौरान केवल 4 घंटे के नोटिस पर रात के 12 बजे की देशबंदी ने करोड़ों मजदूरों की दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। न दवा मिली, न डॉक्टर, न इंजेक्शन, न ऑक्सीजन, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। एक तरफ 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया तो दूसरी ओर 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे धकेल दिए गए। गंगा मैया हजारों लाशों से भरी पड़ी थी और दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग अपनी पीठ थपा ले रहे थे कि वो उन्होंने कोविड में बहुत काम किया। आज हालत ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग की एड़ियां रगड़ रहा है। महंगाई ने बजट और घर दोनों तोड़ डाले हैं और मुट्ठी पर अमीर मित्रों की दौलत में इतनी बढ़ोतरी हुई कि वो दुनिया के दूसरे नंबर से बड़े अमीर बन बैठे। मैं पूछता हूँ कि हमारा देश किस दौरा में आ खड़ा हुआ है, जहाँ अन्नदाता किसान की प्रतिदिन की आय 27 रुपए है और प्रधानमंत्री के एक दोस्त की आय 1000 करोड़ रुपए
दिन में है। देश के 72% यानी 3/4 एमएसएमई को एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पाए, पर प्रधानमंत्री के एक दोस्त की संपत्ति 13 गुना यानी 1300% बढ़ जाए, और मुझे समझ में नहीं आता कि रोज इश्तेहार में खुद को छपवाने वाले दिल्ली के प्रधान सेवक ये अपने मित्र को मित्र की सेवा कर रहे हैं। ऊपर से एक एक करके 70 साल में बनाई देश की हर संपत्ति को अपने मित्रों को हवाले कर रहे हैं। ये तो रेल, भेल, सेल, तेल सब बेच रहे हैं। आकाश हो, धरती हो या पाताल हो, देश की सब चीजें बेची जा रही है। मेरे देश के करोड़ों लोगों को अब चिंता है कि अब हमारी LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बच पाएगा या नहीं, क्या इसको भी वो बेच लेंगे। ये आज हमको एक बहुत बड़ा हमारे सामने सवाल है, और ये सरकार सब कुछ हमने जो बनाया था उसको एक एक करके बेच खा रहे। आर्थिक खाई के बीच देश के सामाजिक भेदभाव की भयंकर खाई भी धकेल दिया है। गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासी और पिछड़ों के अधिकारों को सरेआम सत्ता के बुलडोजर से कुचला जा रहा है। देश के हालात कैसे हैं कि एक तरफ तो हर रोज 115 गरीब मजदूर आत्महत्या को मजबूर है, तो दूसरी ओर दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग मजदूरी के मनरेगा बजट 30,000 पे आया, जो बजट 90,000 था और 100 दिन काम देने का था, उस बजट को घटाकर आज 30,000 रुपए कर दिया, 60,000 रुपए उसका घाटा यानी अलॉटमेंट कम कर दिया। तो ये गरीबों के प्रति उनका काम है, इसीलिए इस सरकार को हम चेतावनी देना चाहिए, एक होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि 100 दिन काम के लिए आज के मिनिमम वेजेस के तहत 1,75,00,000,000 की जरूरत है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए अपने बजट में रखा है। देश का दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे साथी आज आत्मसम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। शायद इसीलिए बार बार हाथरस, उन्नाव, ऊना जैसी डरावनी घटने हुक्मरानी की आत्मा को परेशान नहीं करती। साल 2015 में आज तक दलितों पर अत्याचार 13% बढ़े हैं, आदिवासियों पर अत्याचार 31% बढ़ गए हैं, और ये सब आंकड़े बन कहीं किताबों में खो गए हैं। न कोई सोचता, न सुनता, न कार्रवाई करता। गरीबों को ताकत देने के भाषण तो बहुत देते हैं, वोट लेने के लिए पिछड़ों की बात ज्यादा करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि सैकड़ों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो आप मित्रों को बेच रहे हैं, उसमें लाखों गरीबों के लिए रिजर्वेशन की नौकरी भी चली जा रही है, और दूसरे जो OBC है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, उनके नौकरियां भी आज जा रहे हैं। गिरते हैं पर SC ST माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिरे से ही खत्म कर देते हैं। क्या अब देश की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो गरीबों के बच्चों को
क्लास वन से क्लास एट तक स्कॉलरशिप दे सके। अगर गरीब के लिए कुछ बचा भी हो तो उस पर भी चुन चुन कर हमला बोला जाता है। शायद इसीलिए इस साल दिल्ली में बैठी सरकार ने फूड सिक्योरिटी का 90,000 करोड़ रुपया काट दिया, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने गरीब लोगों के लिए, उनके पेट भरने के लिए उन्होंने जो कानून बनाया उसमें इन्होंने आज 90,000 करोड़ का कटौती इन्होंने किया है। आप ही सोचिए किस तरह ये सरकार चल रही है और इसको हमको लड़ना होगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि भाजपा की ये सरकार कितने गरीबों के मुंह से निवाला छीन लेंगे और इनके धन्ना सेठ मित्रों के पेट भर जाएंगे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि दिल्ली की सरकार में बैठे लोगों का डीएनए ही गरीब विरोधी है। ऐसा मुझे महसूस होता, इनके डीएनए में गरीबों के खिलाफ काम करने का है, इसीलिए तो वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। एक तरफ देश की संस्थाओं, देश के लोगों, देश के गरीबों पर हमला, तो दूसरी ओर भारत माँ की सरजमी पर हो रही चीनी द्वारा इल्लीगल ऑक्यूपेशन के सामने घुटने टेक हुई दिल्ली भाजपा सरकार, हमारी राजनीतिक मतभेद चाहे कितना भी हो, हम भारत की सुरक्षा को लेकर एक हैं, हम भारत की सेनाओं के साथ खड़े हैं, पर एक और हमारी सेनाओं की बहादुरी है और दूसरी और सरकार की विफलता है। वो बार बार यही कहते हैं कांग्रेस सेनाओं के खिलाफ है, देश के खिलाफ। अरे देश के आज़ादी दिलाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हमने संविधान बनाया, उसकी सुरक्षा की और लोकतंत्र के लिए हम लड़ रहे हैं और आप लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, देश के एकता को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और चाइना उधर घुस गया है, कुछ नहीं हुआ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, उसी तरह फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। वो तो यहाँ तक बोले, उनको क्या दुख है दर्द है मुझे मालूम नहीं, उन्होंने पिछला रिकॉर्ड भी निकाला, मैं ऐसा किया मेरे को ऐसा करे, मेरे बाप को ऐसा करे। अरे आप एक मंत्री हो एक पार्टी के, वो छोड़कर आपके निजी कारणों के लिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने ये की, मेरे पिताजी को प्रमोशन नहीं दिया या मेरे पिताजी को वहाँ से निकल, ये बातें हैं, सरकार ये बातें नहीं कर सकती, आप सरकार में हो। लेकिन वो लोग हर चीज़ को एक नया रंग देते हैं। मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ, चीन ने अप्रैल 2020 से आज तक हमारी सरजमी पर जबरन कब्जा किया, प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट क्यों दी? प्रधानमंत्री तो कहते कि कोई घुसा ही नहीं, तो उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि हम चीन से लड़ नहीं सकते क्योंकि वह हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि कोई घुसा नहीं, तो उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि हम चीन से लड़ नहीं सकते क्योंकि वह हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये तो आपकी नाकामयाबी है, और आप एक तरफ करते कोई घुसा नहीं, उसको घुसने नहीं देंगे। अरे वो तो घुस के पुल बना रहा, रोड बना रहा, घर बना रहा, लेकिन आप उधर देख रहे नहीं। और दूसरी तरफ ये 56 इंच की सीना तभी माना जाएगा जब आप भाजपा सरकार चीन से हमारी जमीन छुड़वाकर अप्रैल 2020 की स्थिति अगर कायम करेंगे
तब भी हम समझेंगे आपकी 56 इंच छाती बराबर है, नहीं तो घट गई समझेंगे। देश के सामने इन सब चुनौतियों से केवल कांग्रेस लड़ सकती है। 2023 में, 2024 में हमारा एजेंडा साफ है। हम देश के मुद्दों पर संघर्ष भी करेंगे, कुर्बानी भी देंगे और इसे बचकर सबल और संपन्न राज्य की स्थापना करने के लिए हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। 2004 से 2014 के बीच यूपीए गठबंधन ने समान विचारधारा वाले कई दल हमारे साथ आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गांधी जी के उनका सहकार से इस 10 साल तक एक बेहद कामयाब सरकार जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सामने रखकर चलती थी, आज उसी गठबंधन को और मजबूती देने की जरूरत है। वो तमाम दल जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, हम उनको भी अपने साथ लेने को तैयार है। लेकिन ये सच्चाई भी है कि हमारी सरकार के खिलाफ बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत झूठे आरोप लगाए गए थे, कई तरह के तत्व इसमें शामिल थे। एक बेहद ईमानदार प्रधानमंत्री और एक लोकहित की सरकार को बदनाम किया, पर आज साल बाद सच जनता के सामने आया है और ये सबको मालूम है क्या सच्चाई है। हमारा लक्ष्य ये है कि एमएसएमई के जरिए करोड़ों नए रोजगार पैदा करें। हमारा लक्ष्य ये है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए और चाहे गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, खाने का तेल हो, आटा दाल चावल हो या हर रोजमर्रा की चीज़ों, मुनासिब दामों में दिलवाकर हम रहेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि गरीब और अमीर के बीच जो खाई का काम चल रहा है, मजबूर और पास हमारे मजदूर के पास काम नहीं, गरीबों को सम्मान हो, सामाजिक न्याय सरकार का धर्म हो और रोटी रोजी का मौका सबको मिल पाए। हमारा लक्ष्य है कि देश के अन्नदाता किसान को न केवल फसल की कीमत मिले बल्कि देश का पेट पालने वाले को कभी भूखे पेट न सोना पड़े। हमारा लक्ष्य है कि नफरत का माहौल खत्म करना और देश के हर गली कूचे में मोहब्बत की दुकानें खोली जाएंगी जहां नफरत का बाजार है। गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक सर उठाकर जिंदगी जिए और उन्हें बराबरी के मौके पर मिल पाए। हमारा लक्ष्य है कि देश के संविधान संस्था में बैठे लोगों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करें, लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करें और बगैर रोक ठोक के अपना कर्तव्य निभाए। हमारा लक्ष्य है कि देश की सरकारें जनता की वोट से चुनी और बदली जाए, न कि नोटों की बोरियों से या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के धमकी से सरकार न बदले। यह हमारे भविष्य का रोड मैप है। जनता और सरकार के बीच भागीदारी और साझेदारी का नया रास्ता हम खोलेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, देश के लिए एक साथ, देश के लिए हर एक हाथ, हाथ से हाथ जोड़ो, आओ भारत जोड़ो। हिंदी के एक बड़े कवि द्विवेदी ने कहा
एक कविता की चंद लाइनें से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और एक बात जो कहूंगा, जो हमने पार्लियामेंट में कही थी, उसका भी बाद में मैं जिक्र करूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोलाखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, हम तो कोशिश करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन मुझे एक बात आपके सामने रखना है, जिसको मेरी एक छोटी सी शायरी थी, वो मैं राज्यसभा में अपने भाषण में कहा था, तो उन्होंने उसको अनपार्लियामेंट्री कर दिया। अरे भाई, हम अंदर जो बोल रहे हैं, एक साहित्य ने, एक शायरी वाले ने जो किया, जो लिखा, वो मैं पढ़ा, लेकिन मेरे को ये सजा मिली कि पूरा आधे से ज़्यादा शायरी कट गए। वो क्या था, उसका मैं सिर्फ दो शब्दों में बोलूं। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी में चांद सितारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं, वही गरीब बनाते हैं और आम लोगों की, वही नसीब के मारे की बात करते हैं। इसमें आप बोलिए अनपार्लियामेंट्री क्या है, कौन से शब्द पार्लियामेंट में नहीं बोला जा सकता, आप कहिए। तो ये पूरा शायरी उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, हम जनता में पढ़ेंगे, जनता उसको सुनेगी। मैं इंग्लिश में दो शब्द बोलूंगा, दो मिनट में मेरे भाषण को मैं खत्म करूंगा। आई नाउ विश टू ब्रीफली स्पीक इन इंग्लिश, giving a gist of the main points made in my speech for the sake of people who are not fully conversant in Hindi. Firstly, I would like to thank all the PCC delegates who elected me as the President of Congress Party. I once again thank them for this election. On this occasion, on behalf of crores of our workers, I would also like to express my gratitude towards Srimati Sonia Gandhi ji, led the party as the Congress president for more than 22 years. I would also congratulate former president Sri Rahul Gandhi ji, took it upon himself to unite the country through his historical Bharat Jodo Yatra. Bharat Jodo Yatra united the country and brought people from all walks of life together. Not only that, it also emerged
as a strong voice against the unprecedented challenges that we face today. Such challenges include continuing assault on the constitutional values and democracy and social fabric of our country. Issues of national security on the border with China, the prevailing atmosphere of hatred and fear, all-time high inflation, record unemployment, and increasing economic inequality. In the prevailing difficult circumstances, Indian National Congress is the only party in the country that can provide capable and decisive leadership to the country. From 2004-14, our alliance with like-minded parties served the people of the country effectively, and we once again look forward forging a viable alternative by aligning with like-minded parties to defeat the anti-people, undemocratic BJP government. We are ready to strive for the welfare of the people of our country, and whatever sacrifices that is required, our goal for upcoming state elections and central election 2024 Lok Sabha is clear. Our aim is to generate employment for crores of people through MSMEs. Our aim is to control the inflation and rising prices of essential commodities. Our aim is to bridge the huge gap between the rich and poor. Our aim is to ensure that farmers of the country get a fair price for their produce. Our aim is to rid the prevailing atmosphere, hatred and fear, and spread harmony amongst the people. Our aim is to ensure that betterment of the lives of the poor, tribals, minorities, and other neglected sections and marginalized sections of the society. Our aim is to ensure that the fundamental rights of people are secured and that the institutions hold people in power accountable to the people of the country. Our aim is to stop the use of money power, muscle power, and the increasing trend of misuse of central agencies like CBI, ED, etc. in toppling democratically elected government. This is the Congress Party's vision of Bhagidari and Sajedari, that is participation and partnership all in the country's development. I call upon all the delegates to actively participate in the discussion on issues concerning themes including political, economic affairs, international affairs, social justice, agriculture and farmers' welfare, youth education and employment. This should ensure that a clear and inspiring message is sent out to the people of our country. With this, I end my speech, and I thank you, all of you, for coming. Once again, I also thank you, the host government, and I once again thank you, all the people who cooperated with this plenary session. Jai Hind, Jai Congress!